इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है, सरकार का काम मस्जिद बनाना नहीं है, सरकार का काम है यूनिवर्सिटी बनाना, कॉलेज बनाना, रोड बनाना। मंदिर से क्या कोई आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, जज बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चपरासी भी नहीं बनेगा। महामारी अपने चरम पर थी तो देश के हर मंदिर पर ताला लगा था, भगवान हमारी उस महामारी में काम नहीं आया, भगवान खुद मास्क लगा करके बैठा था। तो हमें क्या करना क्या है भगवान का? ये जो सरकार इस देश को अंधविश्वास की तरफ ले जा रही है, सरकार चाहती क्या है? मैं स्पष्ट, सरकार में गवार और अनपढ़ और जाहिर लोग बैठे हैं, उनके हाथ में किसी कारणवश हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के वो लोग सरकार में आ गए, उन्हें क्या पता? अभी जिन लोगों ने वोट दिया हिंदुत्व के नाम पर, उनको वो खुद अपने आप आईने के सामने खड़े होकर खुद से जवाब मांगे कि जब तुम्हारे बच्चे इस कोरोना की जैसी बीमारी में मारे गए तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हिंदुत्व का एजेंडा किया था, हिंदुत्व के एजेंडे के तहत कोई क्या नाम है आपको बचाने के लिए आया? राम मंदिर बने, राम मंदिर गिर जाए, इस देश के सारे मंदिर टूट जाए, मैं उस मंदिर और मस्जिद और ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम का पार्ट ही नहीं हूं मैं पार्ट हूं, मेरे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, मैं उसका हिस्सा हूं। राम मंदिर जन्मभूमि की नींव में जो सबसे पहले लोग लगेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, तो हजारों लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो नींव में गिरने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि धर्म की अंधभक्ति जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। जो लोग गाय के मूत को पी लेते हो, जो अपनी अपनी मां को जो है अपने मां बाप की सेवा नहीं करते हो, लेकिन गाय गौ माता के नाम पे जो है वो दूसरों की हत्या कर देते हो, तो इस देश के अंदर मूर्खों की बड़ी संख्या, एक बड़ी जमात तैयार हो गई। जो लोग विरोध कर रहे हैं, पहली बात तो मैं उनका समर्थन करता हूँ कि वो बिल्कुल संवैधानिक बात है जिसका वो समर्थन कर रहे हैं। और जो लोग ये जैसे जब आपने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद उसके शिलान्यास के लिए जा रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि भारत जो है एक सेकुलर कंट्री है, और सेकुलर कंट्री में जो भी आदमी संवैधानिक पद पर है वो ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना उसका व्यक्तिगत मजहब हो सकता है, लेकिन जिस चेयर पर जिस कुर्सी पर वो बैठा है उस कुर्सी का कोई मजहब नहीं है, और उस कुर्सी पर की गरिमा को समझना चाहिए, और उसको इस कुर्सी की गरिमा को बनाए रखने के लिए अब उसको कोई भी प्रधानमंत्री, आज नरेंद्र मोदी है, कल कोई और भी हो सकता है, परसों कोई और भी हो सकता है, तो उसको उस कुर्सी की गरिमा को समझना चाहिए, संविधान को समझना चाहिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जो उस लाइन की के गरिमा को समझना चाहिए, और ऐसे किसी भी आयोजन से बचना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री ऐसे आयोजन में जाएंगे या राष्ट्रपति या अन्य किसी पद पर रहने वाले संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इस प्रकार के जाएंगे तो संविधान का एक तरीके से विरोध है। और वर्तमान सरकार में आपने देखा होगा कि ये अनेकों बार कह चुके हैं कि हम लोग संविधान विरोधी हैं, संविधान को बदलने के लिए आए। तो सर ऐसा थोड़ा, ये पहली बार कोई प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और भी तो जाते रहे हैं ना सर? नहीं, आप बताइए फ्यूचर में या सॉरी पास्ट में कोई, राजीव गांधी खुद गए हैं ना, राजीव गांधी कहाँ? नहीं, वो ताला खुलवाना या ताला तोड़वाना या ताला लगवाना एक अलग मैटर है, उसमें कानून था, उसमें पुलिस थी, उसमें प्रशासन था, उसमें लोकल सरकार थी, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट थी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप किसी मंदिर का जाकर के पूजन करेंगे, ये देखिए मैं बड़े पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है, सरकार का काम मस्जिद बनाना नहीं है, सरकार का काम है यूनिवर्सिटी बनाना, कॉलेज बनाना, रोड बनाना, और हमारी सुख सुविधाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें जो आदमी के जीवन जीने के लिए बनती है वो बनाना। अगर मंदिर बनाने का पुजारियों का, मस्जिद बनाने का, मौलवियों का, गुरुद्वारा बनाने का काम ग्रंथियों का है, बुद्धिहार बनाने का बुद्धिस्ट मॉन्कों का है, तो ये उनका काम है। धर्म की को फैलाना, धर्म को बढ़ाना या धर्म के बात करना, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम जो मैंने बताया वो है, सरकार का काम है कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, रोड बनाना, आदमी की सुख सुविधाओं की चीज बनाना। मंदिर से रोजगार मिलना ना लोगों को, कई लोग मंदिर से क्या कोई आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, जज बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चपरासी भी नहीं बनेगा। वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक जो 3.5% लोग जो इस देश के अंदर तो रहते हैं, हाँ तो पुजारी से क्या होना, पुजारी से अमेरिका जाकर कोई घंटा थोड़ी बजाना है उसने, हमें साइंटिस्टों की जरूरत है, हमें डॉक्टर्स की जरूरत है। अभी आपने पीछे देखा होगा जब कोरोना की महामारी अपने चरम पर थी तो देश के हर मंदिर पर ताला लगा था, भगवान हमारी उस महामारी में काम नहीं आया, भगवान खुद मास्क लगा करके बैठा था। तो हमें क्या करना क्या है भगवान का? ये जो सरकार इस देश को अंधविश्वास की तरफ ले जा रही है, सरकार चाहती क्या है? सरकार ये चाहती है कि हम रोजगार की बात ना करें, हम अपने अधिकारों की बात ना करें, हम बच्चों को जो ये बच्चे एमटेक बीटेक करके रोड पे घूम रहे हैं इनके लिए नौकरी नहीं है, सरकार के पास कोई विजन नहीं है, सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, सरकार मंदिर बना दे रही, करना क्या भैया मंदिर का, ये तो बताओ कम से कम। आपको लगता है देश को अभी डॉक्टर साइंटिस्ट चाहिए? अरे मुझे क्या लगता है, हर बुद्धिजीवी आदमी को लगता है, सरकार को तो नहीं लगता है। सरकार में अगर गवार लोग बैठे हैं तो उन्हें क्या पता,
मैं स्पष्ट, सरकार में गवार और अनपढ़ और जाहिर लोग बैठे हैं, उनके हाथ में किसी कारणवश हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के वो लोग सरकार में आ गए, उन्हें क्या पता। अभी जिन लोगों ने वोट दिया हिंदुत्व के नाम पर उनको, वो खुद अपने आप आईने के सामने खड़े होकर के खुद से जवाब मांगे कि जब तुम्हारे बच्चे इस कोरोना की जैसी बीमारी में मारे गए तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हिंदुत्व का एजेंडा किया था उस हिंदुत्व के एजेंडे के तहत कोई क्या नाम है आपको बचाने के लिए आया, आपकी रक्षा करने के लिए। भगवान नाम की पहली बात तो देश के अंदर कोई बीमारी, देश में नहीं विश्व में कोई बीमारी नहीं है। आइंस्टीन जैसा विज्ञानी कह चुका कि भगवान नाम की कोई क्या ना कोई आदमी है ही नहीं, खुद कह चुका। कितने हमारे बुद्धिस्ट लोगों के कह चुके हैं कि अगर भगवान है तो मेरा साक्षात तो कराओ। पेरियर रामास्वामी नायकर ने जब सच्ची रामायण लिखी तो उन्होंने खुद कहा है कि अगर भगवान है, मैंने कुछ गलत कहा तो मेरे सामने कोर्ट में पेश तो करो उसको। वही सुप्रीम कोर्ट 1980-1990 के दशक में ये बात कह चुका है कि रामलला नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, रामायण एक काल्पनिक कहानी है। और पेरियर रामास्वामी नायकर कह चुके हैं, ललित सिंह यादव कह चुके हैं, उधर देश के सर्वोच्च वकील रामजेठ मलानी कई बार कह चुके हैं कि राम राम के नाम का कभी कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। और नहीं, मैं जो कह रहा हूँ नास्तिक और आस्तिक वाली बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को मान चुका है कि राम रामायण काल्पनिक है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है इस देश के अंदर सच्ची रामायण जो पेरियर रामास्वामी नायकर ने लिखी थी, जिसका हिंदी अनुवाद ललित सिंह यादव ने किया था। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो क्या नाम है मान रहा है कि रामायण जो है काल्पनिक है, राम नाम का पात्र जो है वो काल्पनिक है, और दूसरी तरफ अब कह रहा है कि रामलला को हमने लीगल पर्सन मान के उसे जमीन दे दी। तो क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पहले खुद तय कर लेना, नहीं आपको खुशी नहीं हो रही राम मंदिर बनना देश? नहीं, मुझे देखिए ना तो मुझे वहां प्रसाद बेचना, ना मुझे राम से कुछ जाकर के मांगना, ना राम मुझे कुछ देगा, ना मुझे वहां पुजारी बनना। मैं उस सिस्टम में कहीं हुई नहीं। राम मंदिर बने, राम मंदिर गिर जाए, इस देश के सारे मंदिर टूट जाए, मैं उस मंदिर और मस्जिद और ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम का पार्ट ही नहीं हूं मैं। मैं पार्ट हूं, मेरे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, मैं उसका हिस्सा हूं, मैं उस वाले विषय का हिस्सा हूं, मैं इस विषय का हिस्सा ही नहीं हूं। लेकिन सरकार की जैसी योजना चल रही है तो मुझे तो नहीं लगता कि साइंटिस्ट इंजीनियर बनने का मौका मिलेगा। कोई बात नहीं, मोदी जी जब बीमार पड़ेंगे ना किसी दिन, या मोदी जी के आसपास के जो आज कह रहे हैं अनंत हेगड़े जैसे लोग, या तमाम जो कह रहे हैं कि संबित पात्रा जैसे लोग, जब ये कभी बीमार पड़ेंगे, तथागत वो दिन जल्दी लाएगा, ये लोग बीमार पड़े तब मैं इनसे पूछूंगा कि आप अपना इलाज कराने के लिए अयोध्या जाओगे या एम्स में भर्ती होगे, तब पता चलेगा ना कि इनको एम्स की जरूरत थी या मंदिर की जरूरत थी। तो ये तो खुद तय करेंगे, वक्त सबसे हिसाब लेगा। ये जो आज कुछ मुठीवर लोग सरकार में बैठ करके अपने आप को आका समझ रहे हैं ना, वक्त सबसे हिसाब लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब कभी इतिहास लिखा जाएगा, कालखंड में लोग पढ़ेंगे, तो आप याद रखना हम रहे ना रहे, लेकिन ये 10 साल जो है मोदी सरकार के, बीजेपी सरकार की, जो हिटलर शाही की सरकार है, ये बात जरूर लिखी जाएंगी। और मोदी समझ रहे हो कि हम कोई बहुत अच्छा, अगर कोई सही माने में आकलन करने वाला आदमी होगा तो लोग थूकेंगे भविष्य में, फ्यूचर में लोग थूकेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या सरकार का गलत कदम है ये? गलत नहीं है, पूरा ही गलत है, थोड़ा बहुत गलत थोड़ा ही है। ठीक है, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, ये सुप्रीम कोर्ट, मैं पहले भी बता दिया आपको, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, और दूसरी तरफ वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है रामलला को लीगल पर्सन मान के उसे जमीन दे दी। तो इसका मतलब या तो सुप्रीम कोर्ट पहले गलत था या सुप्रीम कोर्ट अब गलत है। अगर पहले सही था तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अब जो है वो सरकार के दबाव में काम कर रहा है। तो ये सारी जो सब कुछ सिस्टम चल रहा है ये सरकार के, सर देखा जा रहा है लोग तो अपना घर जमीन जायदाद बेचकर सोने की ईंटें भेज रहे हैं मंदिर बनवाने, मूर्खों की जो जमात है। अरे मैं कह रहा हूँ वो अपने गुर्दों की भी ईंट बनवा सकते हैं, इतने बड़े अंधभक्त हैं। अगर इस देश के अंदर कुछ लोगों से ये कहा जाए कि इस राम मंदिर की जन्मभूमि, राम मंदिर जन्मभूमि की नींव में जो सबसे पहले लोग लगेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, तो ये हजारों लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो उस नींव में गिरने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि धर्म की अंधभक्ति जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। ये मैं नहीं कह रहा, इस तमाम प्रबुद्ध लोग कहते हैं। तो कैसे बीजेपी बनाने में कामयाब हो? अरे बीजेपी तो बना रही है 10 साल से, बताओ बीजेपी ने और मंदिर मस्जिद और क्या नाम है धर्म और इस गाय और इसके नाम पे इसके अलावा खरा क्या है? ये मैं नहीं कह रहा, बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने कहा है, नेपोलियन ने कहा है और तमाम लोगों ने कहा है कि जब आदमी आपसे रोटी मांगने लगे, रोजगार मांगने लगे, तो उसे धर्म में उलझा दो। वही काम तो कर रही है। और ये अनपढ़ भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग पढ़े लिखे नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको, आपके पास डिग्री नहीं है, आप कभी कॉलेज नहीं गए, स्कूल नहीं गए, तो कम से कम पढ़ तो सकते हो। घर में महापुरुषों को पढ़िए, उनके विचारों को पढ़िए, उनकी किताबों को पढ़िए। डिग्री होना महत्वपूर्ण विषय नहीं है, लेकिन ज्ञानवान होना महत्वपूर्ण विषय है। हम लोग डिग्री लेने के बावजूद भी ज्ञानवान नहीं है, कारण यह है कि सिर्फ हमने हमारी जो शिक्षा रही वो सिर्फ नौकरी वाली रही। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नाकाम रहे, वो तो राफेल भी ले आए देश के। हाँ तो राफेल ले आए, तो राफेल पे भी उन पर पूरे आरोप लगे हैं कि वो राफेल को लेकर के चाहे घोटाला हुआ, पिछले योजना में आपने देखा होगा, इससे पहले पंचवर्षीय योजना जो थी कि किस प्रकार कांग्रेस ने उनको घेरा, खूब सीपी जाम करा, पूरे देश में हैव लड़ुआ का
जो क्या नाम है 80% महंगा राफेल विमान खरीदा उन्होंने, जिसको कांग्रेस 10 रुपए में खरीद रही थी राफेल विमान को, आज उसी को वो क्या नाम 90 रुपए में खरीदे। तो आप समझ सकते हैं कुछ कितने परसेंट का जो है वो घोटाला, इसको कहिए क्या कहिए क्या नहीं कहिए। और राफेल बनाने का काम या राफेल की मरम्मत का या राफेल के लिए लेकर के जिस प्रकार से अनिल अंबानी का पिछले 3-4 साल पहले नाम प्रकाश में आया था, तो वो तो ये वाला काम चल रहा है। सब लोगों को पता अंधा बांटा रेवड़ी फिर अपने थे, वो मोदी जी के 4-5 गुर्गे हैं। कुछ लोग भागे विदेश पैसा लेकर के, कुछ वो लोग भागने की फिराक में इस 5 साल में। उनका ना देश के विकास से कोई मतलब है, ना महिलाओं के विकास से कोई मतलब है, ना शूद्रों के विकास से कोई मतलब है, ना दलितों के विकास से कोई मतलब है, ना उनका उद्देश्य इस देश के अंदर मंदिर स्थापित करना, हिंदुत्व का एजेंडा लागू करना और हिंदुत्व के एजेंडे में सबको भुलाए रखना, सब मेन उद्देश्य। ओबीसी के बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ओबीसी ने, पहली बात तो मैंने उनका स्टेटमेंट पूरी तरीके से पढ़ा नहीं, उन्होंने क्या कहा है, लेकिन ओबीसी ने अगर कुछ कहा है, क्या कहा है पहले तो उन्होंने ये कहा है कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी अगर ऐसे जा रहा, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो अकेले कोई किसी एक धर्म का है। नहीं, देखिए अगर ओबीसी ने ये बात कही तो मैं भी कह रहा हूँ, उनको ट्रोल किया जा रहा है। नहीं, अरे ट्रोल तो मुझे भी ट्रोल करेंगे लोग, मैंने एक ही बात कही, पागलों की कोई कमी थोड़ा ही है। जो लोग गाय के मूत को पी लेते हो, जो अपनी अपनी माँ को जो है अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हो, लेकिन गाय गौ माता के नाम पे जो है वो दूसरों की हत्या कर देते हो, तो इस देश के अंदर मूर्खों की बड़ी संख्या, एक बड़ी जमात तैयार हो गई। और पिछले 6 साल वो लोग तो संसद में बैठे हैं, आप कैसे मूर्ख कह सकते हो उनको? अरे ये संसद में क्या, जब उस जमाने में आज से जब देश आजाद हुआ था, तभी लोग ये कहते थे कि गडरिया पटरिया और क्या नाम है खटीक पटीक और ये पटेल गुजर जा करके क्या उसमें संसद में हल चलाएंगे। तो ये उन लोगों को तो जाति के आधार पर कहते थे। मैं कहता हूँ आज तो कर्म के आधार पर लोग संसद भवन में ऐसे लोग बैठे हैं कि जो बिल्कुल अकल से पैदल हैं, बिल्कुल अकल से पैदल है। आज भी संसद भवन के अंदर आप जाकर के संसद भवन के जो सांसद हैं उनका आप उठा करके देखेंगे रिकॉर्ड, कितनों पे आपराधिक मामले हैं, कितनों पे पैसा कमा लिया, उल्टा सीधा पार्टी फंड में 20-50 करोड़ रुपए दिए, टिकट ले लिया, मोदी की लहर जीत करके चले गए। उससे क्या उम्मीद करोगे आप आदमी से कि आपके भले की बात करेगा? क्या योजना उसके पास में, क्या विजन है आपके इस देश के युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए? चुन तो जनता ही रही। अरे जनता चुन रही है, जनता उस आदमी को जानती नहीं है जो क्षेत्र में 3 महीने पहले गया है, जनता नहीं जानती। जिस दिन इस देश की जनता इतनी जागरूक हो जाएगी ईमानदारी से कि हम वोट किसको दे रहे हैं, मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ उस दिन घटिया लोग राजनीति में जाना बंद कर देंगे, चाहे वो मोदी जी हों और चाहे मोदी जी जैसे तमाम लोग हों जो देश भर में राजनीति में स्थापित हो चुके हैं। ये जब तक उखाड़ करके नहीं फेंके जाएंगे तब तक काम चलेगा। कुछ संत कह रहे हैं कि वो शुभ मुहूर्त नहीं है और मोदी जी उसका सिलसिला, अब ये तो संत तय करें शुभ मुहूर्त है अशुभ मुहूर्त है, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, कहाँ होता है, हम तो मुहूर्त मानते नहीं। अगर मैं तो जब कहूंगा ना कि जब ये शुभ और अशुभ कह रहे हैं, जब जो इनके हिसाब से सबसे बुरा दिन होता हो, सनातनी मैथोलॉजी के अनुसार, सनातनी परंपराओं के अनुसार जो सबसे बुरा दिन होता हो और जो उस दिन का सबसे ज्यादा विरोध करता हो, अगर उस दिन उसके घर में बच्चा पैदा हो उसकी हत्या कर दे तो मैं मान लूंगा ये बुरा दिन है। नहीं है ना, जब घर में जब कुछ चीज आती है ना तब बुरा नहीं होता, जब कुछ देना पड़ता तब अच्छा और बुरा होता है। ये हिंदू धर्म का या सनातनी परंपराओं का सबसे बड़ा पाखंड है, वो अपने मतलब की चीज लेते हैं और दूसरे लोग आदमी को उसी पूरे सिस्टम में फंसाए रखते हैं।